दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा की तटस्थता या परंपरावारी द्विभाजन, जिसको इंग्लिश में द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या क्लासिकल डिटोनॉमी कहते हैं। तो बच्चों मौद्रिक विस्तार यानी कि मुद्रा का जो विस्तार है, मौद्रिक जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसको इनफेक्टिव माना, यानी कि अगर आपको रोजगार का विस्तार करना है, अगर आपको वास्तविक जीडीपी का विस्तार करना है तो जो मुद्रा की आपूर्ति है उसमें वृद्धि करके आप वास्तविक जीडीपी को, वास्तविक रोजगार को, या आप कह सकते हो वास्तविक ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकते। ये केवल नामित जो चर हैं उनको ही प्रभावित करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करके हम केवल जो नॉमिनल वेरिएबल हैं जैसे नॉमिनल इनकम, नॉमिनल वेज, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन चरों को तो प्रभावित कर सकते हैं लेकिन जो रियल फैक्टर्स हैं, रियल वेरिएबल्स हैं, रियल जीडीपी, रियल इनकम, रियल आउटपुट, इनको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कि मुद्रा की तटस्थता का आधार कीमत और मजदूरी में पाई जाने वाली लोचशीलता है। यानी कि किन जो परंपरावादी विचारक हैं उनका यह मानना था कि कीमतों में और मजदूरी में लोचशीलता होती है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मौद्रिक प्रणाली अब मौद्रिक विस्तार जो है वो अप्रभावशाली रहता है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करके केवल कीमत स्तर, नॉमिनल मजदूरी, नॉमिनल ब्याज दर आदि को प्रभावित किया जा सकता है लेकिन वास्तविक चर को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल डिटोनॉमी यानी कि परंपरावादी द्विभाजन। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिससे कि आपको बेटर कंसेप्ट समझ में आ जाए। बच्चों देखिए, तो बच्चों इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए यहां पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये हमें दिखा रहा है वास्तविक मजदूरी को, वास्तविक मजदूरी दर, ठीक है जी। और यहां पे हम ले लेते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो वास्तविक उत्पादन, ठीक है जी। यहां पे हमने लिख लिया रोजगार का स्तर, और यहां पे भी लिख लिया हमने रोजगार का स्तर। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे कि मजदूरी दर का निर्धारण वहां होगा जहां पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर बराबर बराबर होगी। याद रखिएगा ये वास्तविक मजदूरी दर है W अपॉन P, ये हमारी है रोजगार का स्तर जो कि N के बराबर है, ये उत्पादन फलन है, इसका मतलब हमारा जो उत्पादन हो रहा है वो केवल OQ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा जो हमारा यहां पे हम दो डायग्राम और बना रहे हैं बच्चों के लिए, ये है मुद्रा की मांग है, सॉरी ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और ये एग्रीगेट सप्लाई है। हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी आपको समझाया था जब हमने आपको एमवी इक्वल टू पी वाई करके बताया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो वाई होगा उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एमवी को पी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही P बढ़ता है आपकी जो Y की वैल्यू है वो कम आएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये आपका है प्राइस लेवल, ये आपका है जीडीपी का लेवल। और बच्चों देखिए डायग्राम के थ्रू हम इसमें एक डायग्राम और बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
डिमांड फॉर लेबर ले रहे हैं और सप्लाई फॉर लेबर ले रहे हैं, लेकिन इस बार ये ना हम जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं नॉमिनल वेज पर, यानी कि ये हमारा वेज जो है वो नॉमिनल है, इसको हम बोलते थे नामित वेज, नामित मजदूरी। ठीक है जी, ये डायग्राम आपको एचएल आहूजा सर की बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको बना के सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, एमपीपी इंटू पी से मल्टीप्लाई होके बनाए, पी जीरो से मल्टीप्लाई होके। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मनी की सप्लाई में वृद्धि होती है, मैं आपको एक छोटा सा कर देता हूँ इस डायग्राम को और यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट बेटा। हाँ जी, देखिए सपोज कीजिए हम इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए पहले हमारी मनी सप्लाई थी 1000, वी की वैल्यू थी 5 और प्राइस लेवल था 10, तो इसका मतलब ये प्राइस लेवल 10 मान लिया हमने, तो इस केस में ये हमारा आएगा 5000 और 5000 को जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 500, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 500 आ गई। ओके बच्चों, अब मान लीजिए कि मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाता है, तो मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर हमारी मनी की सप्लाई बढ़ती है, यानी कि ये जो एम है ये बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है ये बढ़ जाएगा, इस तरीके से मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेम जीडीपी के लेवल पे, सेम जीडीपी के लेवल पे आपका जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जीडीपी के लेवल को सेम माने, क्योंकि ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई में जीडीपी का लेवल सेम रहेगा, अगर जीडीपी के लेवल को सेम माने और एम को कह दें हम डबल कर दें, मान लीजिए 2000 कर देते हैं और प्राइस को 5 ही रहने देते हैं, तो जो पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेफिनेटली जो पी है वो पहले से डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, इसका मतलब आप जो प्राइस लेवल है वो पहले से बढ़कर 20 हो गया, तो ये हमारा प्राइस लेवल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंची कीमत पर, अब देखिए अगर हम नॉमित मजदूरी दिखाएं तो इसका मतलब है कि प्राइस जो पहले 10 था वो 20 हो गया, तो इसकी वजह से जो डिमांड फॉर लेबर है वो बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने से अब जो नॉमिनल वेज है वो देखिए बढ़ गया, लेकिन क्योंकि नॉमिनल वेज बढ़ा है, लेकिन जो कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, वो उससे ज्यादा बढ़ी है, यानी कि कीमत बढ़ने की स्पीड जो है वो मजदूरी बढ़ने की स्पीड से ज्यादा है। यानी कि अगर कीमत और मजदूरी सेम होती तो यहां पे होना चाहिए था इस पॉइंट पे, यानी कीमत तो इतनी बढ़ी है लेकिन मजदूरी बढ़ी है कम। जब ये बात लेबर को पता चल जाएगी, क्योंकि लेबर को पता चल जाएगी वो वास्तविक मजदूरी के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो सप्लाई को कम कर देगा और आपके रोजगार का स्तर वहीं बना रहेगा जहां पे बना रहा है। लेकिन जब ये बात वास्तविक मजदूरी में दिखाएंगे तो हम इसको यहां पे दिखाएंगे, क्योंकि उसकी जो रियल वेज है वो घट चुका है। रियल वेज घटने की वजह से अब आप देखोगे कि डिमांड फॉर लेबर ज्यादा है, सप्लाई फॉर लेबर कम है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ऊंची मजदूरी की डिमांड करेगा और फिर से जो मजदूरी की दर है वास्तविक मजदूरी दर पे आ जाएगी। यानी कि पहले क्या हुआ, कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने की वजह से जो एम्प्लॉई है उसने ज्यादा रोजगार, ज्यादा वेज की डिमांड की, उसकी वजह से जो मजदूरी दर है वो वहीं पे आ गया। इसका मतलब ना उत्पादन का स्तर नहीं बदलेगा, रोजगार का स्तर नहीं बदलेगा, उत्पादन का स्तर नहीं बदलेगा, केवल और केवल कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि केवल, कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि न्यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है, मुद्रा की तटस्थता का मतलब है कि अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाते हैं, तो केवल और केवल कीमत स्तर बढ़ेगा, केवल और केवल नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, केवल और केवल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, जबकि जो रियल वेरिएबल है, रियल जीडीपी, रियल आउटपुट, रियल वेज, इसमें किसी भी तरीके से वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए परंपरावादी अर्थशास्त्री मौद्रिक उपायों को रोजगार बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए अप्रभावशाली मानते थे। इसी को बोलते बच्चों न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या मुद्रा की तटस्थता। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।